हेलो माय डियर चिल्ड्रन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज टॉपिक अवर इन्वायरमेंट की समरी ओके अवर इन्वायरमेंट में हमने ये जाना कि हमारे इन्वायरमेंट में आखिर क्या क्या चीजें हैं और हमारे इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है और किस तरह से हम सब मिलके अपने इन्वायरमेंट को कर रहे हैं पल्यूटेड ओके एयर इज गेटिंग डर्टी वाटर इज गेटिंग डर्टी वी आर वेस्टिंग वाटर वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न फॉर आर इन्वायरमेंट चिल्ड्रन और ये सब हमने जाना और हमने कुछ जाने एक्साइटिंग से एक्टिविटीज ऑल्सो ओके और अब बारी आ गई है इस चैप्टर की करने की समरी जिसमें हम जानेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसी चैप्टर से रिलेटेड ओके सो लेट्स स्टार्ट इन्वायरमेंट इज द नेचर एंड सराउंडिंग्स इन विच ऑल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बिंग्स लिव एंड ऑपरेट ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट इन्वायरमेंट क्या है नेचर है और सराउंडिंग्स है इन विच all plants animals humans and other living beings live and operate jahan pe sirf hum humans hi nahi hamare sath sath hote hain plants animals और वो सारे जीव जंतु और सब रहते हैं और अपने अपने काम करते हैं

कोई डर्टीनेस नहीं है बट इन द अनदर पिक्चर यू कैन सी चिल्ड्रन एवरी थिंग इज द वॉटर एवरी यू कैन सी द स्मोक इज डर्टिंग द एयर तो कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने हमने पानी को भी गंदा कर रहे हैं और हम अपने आसमान के फ्रेश एयर को भी गंदा कर रहे हैं और रहना हम सभी को यही है बट स्टिल चिल्ड्रन वी ऑल आर डूइंग वॉट वी ऑल आर पल्यूटिंग आर इनवाट ओके ज वॉट वी आर डूइंग हमें नेचर ने दिया था ऐसा इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन इन्वायरमेंट प्योर इन्वायरमेंट ओके जहाँ पे कुछ गंदगी नहीं थी एवरीवेर देर इज ग्रीनरी एवरीवर देर वॉज ग्रीन ग्रीन प्लांट्स फ्रेश एयर वॉज दे एयर बट अब हमने हम ह्यूमन्स ने क्या कर दिया है दिस इज वॉट वी हैव डन टू आवर इन्वायरमेंट चिल्ड्रेन ओके सो दैट इज़ वाई इट इज सेम जो इन्वायरमेंट है वो क्या है वो नेचर है और हमारे रहने की सराउंडिंगस है जिसमें प्लांट्स भी रहते हैं एनिमल्स भी रहते हैं ह्यूमन भी रहते हैं okay? और एनवायरमेंट में वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं से एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो अगर ये सब लोग रहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए एनवायरमेंट को बचाना चाहिए ना कि इस तरह से पल्यूट करना चाहिए चिल्ड्रेन ओके नाउ वॉट डिड वी लर्न देर आर things थिंग्स us. दे फॉर्म आर environment. ओके okay? हमारे अराउंड सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनाती हैं एनवायरनमेंट. देर आर स्टोन रॉक्स एंड सॉइल देर आर रिवर्स स्ट्रीम्स एंड लेक्स क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें एनवायरनमेंट हैं. देखो रॉक्स पत्थर मिट्टी पानी झरने लेक्स सब कुछ क्या है एनवायरनमेंट का पार्ट है ओके okay?

there are jungles, there are fields and houses, roads and also barren lands. barren lands मतलब ऐसी लैंड जहां पे अब आप क्रॉप नहीं लगा सकते ओके okay, वो फर्टाइल नहीं है वो अब खराब जमीन है वी ऑल्सो सी मैनी डिफरेंट एनिमल्स अराउंडर्स और हम क्या देखते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं अपने अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड बुश एंड क्लाइंबर्स मेक आर इन्वायरमेंट ब्यूटिफुल देखो कितनी सारी चीज़ें नेचर ने हमें गिफ्ट की थी जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता था ब्यूटिफुल होता था राइट right प्लांट्स थे फ्लावर्स थे क्रीपर्स थे क्लाइंबर्स थे लेकिन हमने क्या किया हमने नेचर के गिफ्ट की बिल्कुल वैल्यू नहीं करी ओके एंड वी पीपल हैव डूइंगीपल स्टार्टेड पल्यूटिंग आर इनवा सारी चीजें करके अपनी सारी गिफ्टेड चीजों को बर्बाद करना शुरू कर दिया ओके okay? अदरवाइज ये सारी चीजें वर गिफ्टेड बाई द नेचर ओके यू कैन सी हाउ ग्रीनरी ग्रीन इन्वायरमेंट सो मैनी ट्रीज जंगल एनिमल्स एवरी वन सब कुछ इन्वायरमेंट में था और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से थी तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ब्यूटिफुल लगता था लेकिन अब क्या हो गया पल्यूटेड हो गया है गंदा हो गया है हर जगह सिर्फ गंदगी है वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस environment और हम सब ये जानते हुए कि हम ये सब environment के पार्ट हैं उसके बाद भी अपने environment को क्या करते हैं गंदा करते हैं हम कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ते जिससे हमारा environment गंदा ना हो है ना स्मोक हो गया गाड़ियों का केमिकल्स हो गए फैक्ट्रीज के सारी गंदगी हम कहीं जाते हैं घूमने तो कचरा फैला के आ जाते हैं वो सब चीजें करते हैं जिससे हमारा एनवायरमेंट क्या हो रहा है गंदा हो रहा है इट हैज स्टार्टेड लुकिंग डर्टी द एयर इज ज नॉट गुड दॉटर इज नॉट गुड हमको हर जगह मास्क लगा के जाना पड़ता है क्योंकि एयर क्या है फ्रेश नहीं है पल्यूटेड है पानी है वो फिल्टर कर करके पीना पड़ता है क्योंकि पानी भी गंदा है फ्रेश नहीं है और ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं ये जानते हुए दैट वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट बट चिल्ड्रन हम सब क्या हैं रिस्पॉन्सिबल इंडियंस हैं राइट यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन हम सबको क्या करना चाहिए मिलके अपने इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए पल्यूशन को दूर भगाना चाहिए प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़ करना चाहिए हमें एक्ट लाइक अ गुड सिटीजन करना चाहिए कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए हमेशा ट्रैश बिन या डस्टबिन में कचरा थ्रो करना चाहिए ताकि हमारा इन्वामेंट क्या हो हमेशा सुंदर रहे ब्यूटिफुल रहे और क्लीन रहे चिल्ड्रेन ओके okay. दिस वाज़ द समरी रिलेटेड टू अर चैप्टर आवर इन्वायरमेंट ना वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चिल्ड्रेन अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं और अगर बहुत सारे वीडियो देखने में क्या होती है परेशानी तो क्या करना है गूगल क्रोम में जाना है और लिखना है डब्ल्यू उसके बाद ये साइट खोलेगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर वन हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म उसके बाद आपकी ये सारी क्लासेस दी रहेंगी और आपको जो भी क्लास में पढ़ते हो या पढ़ने वाले हो उसका क्लास का बटन दबाना है मान लो आप क्लास टू में हो आपने क्लास टू बटन क्लिक किया जैसे ही क्लास टू की आपके सारे टीचर्स आपको दिखने लगेंगे नाउ फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू As soon as you click button EVS, ईवीएस यू विल all सब्जेक्ट चैप्टर वाइज रिलेटेड related एंड देन then whichever वीडियो यू want टू सी यू कैन स्टार्ट प्लेइंग एंड वॉच द वीडियो सो so, ये था हमारा चैप्टर आवर इन्वायरमेंट और जिसमें हमने जाना कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे रखना है और कैसे बचाना है पल्यूशन से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडर गार्डन टू ग्रेट ट्वेल्थ फ्री वीडियोज एंड फ्री एजुकेशन थैंक यू